प्यारे बच्चों, आप सबों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे आप लोगों को पेज 10 हवन पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। यह 8वां पाठ है हवन। हवन में हम लोग ये देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है, हवन का मतलब क्या होता है और ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हवन एक संस्कृत शब्द है जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है। हम लोग आग में विभिन्न प्रकार के चीज डालते हैं और पूजा करते हैं। यह एक वैदिक अनुष्ठान है। आग में हम लोग चंदन, अनाज, घी, धूप, दूध आदि अधिक मात्रा में डालते हैं। इसमें अर्पण की जाने वाली विभिन्न वस्तुएं यज्ञ कुंड में डाली जाती है। आप लोग आग के साथ साथ यज्ञ कुंड का भी चित्र पुस्तक में देख रहे हैं। हवन शादी समारोह में देखने को मिलता है। हवन को होमम, अग्निहोत्र, यजना या यज्ञ नामों से भी जाना जाता है। यह विभिन्न देवताओं को खुश करने के लिए भी किया जाता है। शुभकामना और स्वास्थ्य के लिए भी हवन किया जाता है। हवन हम भगवान की पूजा, वातावरण की शुद्धि और मानसिक पवित्रता के लिए करते हैं। यह आसपास की बुरी आत्माओं के प्रभाव को खत्म कर देता है। अग्नि मतलब आग। आग में जब हम औषधीय गुणों वाली लकड़ियाँ, औषधीय मतलब होता है दवा के गुण वाली लकड़ियाँ और शुद्ध गाय की घी डालते हैं तो उसका प्रभाव सुख पहुँचाता है। इतना तो बच्चों आप हवन के बारे में जान गए। हवन किसे कहते हैं, हवन कुंड किसे कहते हैं, हम क्यों हवन करते हैं, हवन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये सारे कुछ जान गए। अब हम देखते हैं कि इस पाठ से किस प्रकार का प्रश्न आता है और उसके उत्तर को जानते हैं। इस पाठ में बच्चों एक ही प्रश्न है जिसको कि याद करना जरूरी है और अब आप समझ गए होंगे तो यह आपको बहुत ही सरल लगेगा, अर्थात आसान लगेगा। लिखिए और याद कीजिए, हवन क्यों जरूरी है। ईश्वर की उपासना वातावरण की शुद्धि और मानसिक पवित्रता के लिए हवन जरूरी है। हम लोग इस बात को समझ लिए हैं। अब उत्तर में इतना ही लिखना ठीक है। आप लोग इतना ही याद कीजिएगा और लिखकर भेजिएगा। यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।